हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और ये कंपनी इतनी बेहतरीन मुझे फंडामेंटली अच्छी लग रही है कि फॉरेन इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो सभी लोग अपनी हिस्सेदारी तो बढ़ा ही रहे हैं। एज़ वेल एज़ बात की जाए तो बहुत सारे APIs में काम करते हैं। APIs क्या होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके फंडामेंटल्स चेक करेंगे, इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और कंपनी 20% लो पे आपको अच्छा खासे मिल रही है, जो कि आपको आगे चल के फंडामेंटली आपको रिटर्न्स तो अच्छा देगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिलना पक्का है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारा मोटिवेट बढ़ाइए इस चैनल को, जो आपका खुद का चैनल है बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों के साथ फैलाएं ताकि उन्हें भी इस तरीके की वीडियो मिलती रहे, ओके, और मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, कुछ पैरामीटर्स दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले अगर बात की जाए 6 महीने की, तो उसमें थोड़ा बहुत गिरावट हमें नज़र आई है, ओके, बट स्टिल अगर हम बात की जाए पूरे पेंडेमिक से लेके अब तक, तो ग्रोथ तो उन कंपनी ने अच्छी खासी करी है। इसके अलावा बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दिए, एक साल में लगभग 50% इसके हिसाब से, 2 साल में लगभग देखिए पैसा आपका डबल से ज़्यादा कर दिया है, 3 साल में डबल कर दिया, 4 साल में 267% के रिटर्न, 10 साल की बात करें तो 600% के रिटर्न। तो ऐसी कंपनी में अगर आप लॉन्ग टर्म बने रहते हैं ना, तो उसे कहती है मल्टी बैगर रिटर्न। तो ये 6-7 रुपये पे चलने वाला शेयर आज 1900 पे मिल रहा है और 2400 से होते हुए आया है। तो 2400 का शेयर अभी अगर कहे तो 1900 पे मिल रहा है, तो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए, 25% नीचे डाउन है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अगर हम कुछ और इसके पैरामीटर्स देखते हैं, तो देखिए 1900 रुपये का तो ये शेयर है ही है। अगर बात की जाए 1200 रुपये पे ये कंपनी, 52 वीक लो था इसका 19 मार्च को। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 2460 रुपये तक ये 28 अक्टूबर को दिखा था, और अभी गिरते गिरते ये लगभग 1900 रुपये पे ये शेयर आपको यहाँ पर देख सकते हैं मिल रहा है। अगर 55% की डिलीवरी, 90,402 शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे उठाते हुए दिखे हैं। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो देखिए प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 0.22% की, एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी से बढ़ाई है। और डिविडेंड देखिए हर साल दे रही है, और 2020 में 2 बार डिविडेंड दिया है, और वो भी ऐसा नहीं कि जहाँ 2018 में एक दिया था, 2019 में फिर बढ़ा दिया, 2020 में फिर 2 बार दिया, और वो भी बढ़ता हुआ, और 2020 में फिर दोबारा एक बढ़ता हुआ। तो हमारा डिविडेंड बढ़ रहा है, तो डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है जिसके पास कैश फ्लो अच्छा है, जिसका कैश है, जो प्रॉफिट कमा रही है, जिसके पास प्रॉफिट होगा वही कंपनी डिविडेंड दे सकती है। तो कंपनी की तरफ आप नज़रें बना सकते हैं। कोई भी शेयर यहाँ गिर भी नज़र नहीं आता, 901 रुपये पर ये शेयर चल रहा है। तो अगर मैं जैसे कि मैं आपको बता रहा था 2400 के लगभग ये शेयर था, ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए 20% तो वैसे दिखा रहा है, 2300 के भाव से अगर 2460 के भाव से देखें तो ये कंपनी का जो शेयर है आपको अभी भी 25% डाउन पे मिल रहा है। तो जब भी आपको मिले तो ये बाय ऑन डिप्स कर करके इस शेयर को उठाते रहिए, फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने पक्का है। क्योंकि ये देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, कहाँ 6 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, 5-6 रुपये पे, और अभी देखिए क्या ये शेयर इस किस तरीके से भागा है, ओके, देख सकते हैं 2016-17 थोड़ा सा जाता है ये, देखिए ये कंसोलिडेशन फेज जो चलता है, ओके, ये चलता है, बट जिस दिन भागना शुरू करता है ना उस दिन रुकता नहीं है। तो अगर हम देखें 2017 से 2021 अभी देख रहे हैं, तो देखिए लगभग 331, और अगर हम बात करें यहाँ से, ओके, यहाँ पर अगर हम इसका लो ले लेते हैं ये 6-7 रुपये पे, तो ये कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 35,000% के रिटर्न, समझ रहे हो, 35,000% के रिटर्न कितने 20 साल में। और क्या चाहिए, ऐसी कंपनी में ही बना रहना पड़ता है, जो बना रहेगा, जो ऐसी कंपनी को छोटे से खरीदेगा वो आगे चल के बड़ा बनता रहेगा। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, आगे चल के इस कंपनी को ग्रो ही करना है। जिस शेयर्स की अगर बात की जाए, कंपनी ने देखिए डिविडेंड तो देती है, एक बार बोनस भी दिया है 2005 में, स्प्लिट भी हुई है 2010 में, तो कंपनी स्प्लिट दे रही है, बोनस दे रही है, डिविडेंड दे रही है हर साल, और क्या चाहिए। अगर बात की जाए कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम है इपका लेबोरेटरीज, ओके, जो कि आपको अच्छे खासे लेवल पर मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपने इपका लेबोरेटरीज की दवाई देखी होंगी मार्केट में, मेडिकल स्टोर से आपने ली भी होगी। अगर हम देखें 65 साल से भी ज़्यादा इस कंपनी को एग्जिस्ट किए हो गए हैं, और बात की जाए तो 80+ APIs में काम करती है। APIs का मतलब है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब आपको अगर हेडेक की आप दवाई ले रहे हैं, सिरदर्द की दवाई ले रहे हैं, तो सिरदर्द को कम करने के लिए जो इसमें स्टफ़ यूज़ करते हैं, जो इसमें पदार्थ यूज़ करते हैं, तो वो उसे APIs कहते हैं। वो मोस्टली APIs ये मोस्टली कंपनीज क्या चाइना के ऊपर डिपेंड है, बट अब क्या हुआ है कि आत्मनिर्भर के भाग
के कारण इंडिया इन्हें सपोर्ट कर रही है, और सपोर्ट कर रही है तो जो APIs कंपनी खुद बनाती है और वो भी इंडिया में बनाएगी, तो उन कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। इसलिए देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी काफ़ी 4-5-6% से बढ़ाई है पिछले क्वार्टर में। तो अगर बात देखी जाती R&D तो कंपनी करती करती रहती है, 120 प्लस कंट्रीज़ में इनका एग्जिस्टेंस है और 175 प्लस ब्रांड्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स ये कंपनी निकालती रहती है। अगर बात की जाए यहाँ पर फाइनेंशियल्स की, तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है लगभग 24,500 करोड़ रुपए का है। पी 22 के पी पे चल रही है, जब मार्केट का पी 42 चल रहा है, केवल 22 के पी पे आपको मिल रही है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ROCE भी काफ़ी अच्छा है, 20 का ROCE पे आपको, ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसे ध्यान दीजिएगा। डेट भी अपना कम करती हुई कंपनी नज़र आई है। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स भी देखिए 2018 में 782 करोड़ रुपीज़ के सेल्स थे, जो कि हर साल बढ़ते हुए अब हर क्वार्टर में बढ़ते हुए नज़र आए हैं। जून में थोड़े अच्छे खासे थे, उसके बाद थोड़ा सा गिरावट हुई है, बट दिसंबर में देखिए उसी लेवल पर कंपनी आने को ट्राई कर रही है, तो जो कि आगे चल के आ भी जाएगी। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 260 करोड़ रुपये का इस बार का नेट प्रॉफिट भी है, तो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में ही है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। अगर बात की जाए सेल्स की, तो यहाँ पर अगर ईयरली बेस पर देखी जाए 2009 में 1267 करोड़ रुपये के सेल्स थे, जो अभी 5103 करोड़ रुपए के पिछले 12 महीने में सेल्स होते हुए नजर आए हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 91 करोड़ का प्रॉफिट अभी 1117 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में तब्दील हो चुका है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। अगर बात की जाए बैलेंस शीट की, तो काफ़ी फंडामेंटली फाइनेंशियली साउंड करती है ये कंपनी। तो अगर बात की जाए रिजर्व्स की, 614 करोड़ रुपए का रिजर्व 2009 में था, जो कि बढ़ बढ़ के अभी 2020 में सितंबर में 4416 मतलब 4,416 करोड़ रुपए का रिजर्व्स हो चुका है। अगर बात की जाए मतलब 8 गुना 7 गुना ज़्यादा रिजर्व्स हो चुका है। बोरिंग की बात की जाए, 1000 करोड़ के आसपास बोरिंग थी, जो कंटिन्यूसली कम होते 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 305 करोड़ रुपये की बोरिंग हो चुकी है सेप्टेम्बर में, और अगर ये अभी अपडेट हो जाएगा तो आपको कम होती हुई शायद नज़र आए। इन्वेस्टमेंट भी 659 करोड़ रुपए का, कैश इक्विवेलेंट 649 रुपीज़ का, टोटल एसेट या आप दर देख सकते हैं लगभग 5 गुना हो चुकी है। अच्छा खासा कैश फ्लो है, अच्छी खासी ROCE ही है, जो कि हर साल से आपको अच्छी दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि पिछले क्वार्टर में देखिए सितंबर से दिसंबर में प्रोमोटर्स ने भी 0.22% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, और फॉरेन इन्वेस्टर ने भी लगभग 6% की हिस्सेदारी, 12.4 से 18.22% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बढ़ाती हुई दिखाई दी है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी 4% की लगभग कम की है, गवर्नमेंट 0.28% की, और पब्लिक के पास केवल 10-11% की हिस्सेदारी है, बाकी सब फॉरेन इन्वेस्टर DIS और प्रोमोटर्स ने लेके रख रखी है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें इस वैल्यू का पता है, और प्रोमोटर्स ही है उसके ओनर। अगर प्रोमोटर्स को ही नहीं पता होगी तो किससे पता होगी। तो प्रोमोटर्स हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बढ़ा रहे हैं, DIS बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी में जब भी मार्केट में शेयर गिरता हुआ मिले तो हमेशा उसका लाभ उठाना चाहिए। अगर और बहुत फंडामेंटली मुझे तो साउंड लगी, फाइनेंशियल अच्छी खासी कंपनी है, तो अगर कोई पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछ लीजिए, खुद की स्टडी ज़रूर कर लीजिए। ये केवल नॉलेज के पर्पज़ से वीडियो थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एज वेल एज कुछ और बातें आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेगा, एक आपको ट्रेडिंग के लिए एंजल ब्रोकिंग में आपका फ्री में डीमैट अकाउंट हो जाएगा, यहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करते हैं तो 30 दिन के लिए ट्रेडिंग फ्री भी है अगर अकाउंट ओपन कराते हैं, एज वेल एज श्री राम जन्मभूमि के लिए यहाँ पर एक मंदिर बन रहा है, तो आप चैरिटी करके कुछ दान देके उस मंदिर में बनाने में सहयोग कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट लिंक है वेबसाइट का, वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और अपने भाई के चैनल को बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को, जो आपका खुद का भी चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लोगों तक फैलाएं, उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। और वो भी जैसे मैं वीडियो अब बनाता हूँ, आप लोग खरीदते हैं अगर वो शेयर्स, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी अच्छे रिटर्न हमें मिल रहे हैं, तो आपको भी मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।